मैं पद्मिनी गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पहली बार अपने व्लॉग देखा होगा अगर जगन्नाथ का, और नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो। तो खैर, आज हम लोग पहली बार मालदा से कहीं जा रहे हैं। हम लोग फिलहाल मतलब रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ से 1.5 महीने हम लोग को हो गए हैं, हम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए थे। एंड हम दोनों ही सोच रहे हैं यार ऐसा कैसे हो गया, हमारा तो काफ़ी मतलब पैसा बच रहा है यहाँ पे आके। खैर आज सैटरडे है और हम लोग जा रहे हैं मेरे गांव, मतलब मेरा घर तो इलाहाबाद में है, आप लोगों को पता ही होगा, बट ननिहाल जो है वो मेरा यहाँ पे है मुर्शिदाबाद में। तो मालदा आके ये मेरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि मेरे मौसी मामा सब लोग बहुत पास हुए हैं, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं और कुछ काम है, वो काम निपटा के वहाँ पे मुर्शिदाबाद में एक बहरमपुर करके बहुत फेमस जगह है, आपको पता होगा, तो वहाँ बहरमपुर हम लोग जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा सा डिनर करने वाले हैं। तो फिलहाल ये हमारी आइटनरी है और बाकी आप लोग वीडियो में देखते रहिए कि कैसा जाता है और कैसा है। मतलब पूरा तो अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बट पक्का मैं अपना विलेज आप लोग को अच्छे से डिटेल में दिखाऊँगी। आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। देखा वो फरक्का ब्रिज है, तो फरक्का ब्रिज पार होते ही मुर्शिदाबाद है, फरक्का ब्रिज पार होते ही मुर्शिदाबाद है और ब्रिज के इधर मालदा है। मुर्शिदाबाद से बचपन से ही मेरा बहुत गहरा नाता है कि जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे सब लोग हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा वहीं पे बड़े हुए, फिर मेरे पापा की जॉब लग गई यूपी में इलाहाबाद में, तो फिर वहाँ मम्मी पापा शिफ्ट हो गए। तो जब भी छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टियाँ या दुर्गा पूजा हो गया, तो हम लोग हमेशा यहाँ आते थे। कादी नाम है, शायद आप लोग ने कभी सुना ना हो, तो मुर्शिदाबाद में कादी में हम लोग रहते हैं। इतना नॉस्टैल्जिक लगता है ना कि जब भी इधर से आती हूँ, मतलब इस रास्ते से मैं कभी नहीं गई, बट मुर्शिदाबाद नाम सुनते बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लगता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, आज शायद मौसी से भी मिलूँगी, उनसे भी मिले हुए मुझे ऑलमोस्ट 8 to 9 months हो गए हैं, तो मौसी जी से भी मिलूँगी और दीदी से भी मिलूँगी। मेरी बहन अभी फ़िलहाल यहाँ है नहीं, तो उससे नहीं मिल पाऊँगी, लाइक माय कज़न सिस्टर। तो या बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे चूँकि हम लोग पास आ गए तो अक्सर जाया करेंगे, है ना। इनका ससुराल है भाई, जाना तो पड़ेगा ही। बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट अभी 10 to 12 किलोमीटर्स। हाँ, तो हम लोग के अभी 10 to 12 किलोमीटर्स ही बचे हुए हैं और इतना अजीब लग रहा है, लाइक इतनी कैजुअली कभी आई ही नहीं यहाँ पे। मतलब जब भी आती थी तो हमेशा ऐसा होता था कि हॉलीडे है और वहाँ जाके रहना है अभी 1 महीने और सबसे मिलना है, तो ऐसा होता था, बट आज जा रहे हैं, फिर आज ही बैक करना है। और मौसी जी को भी बताया भी नहीं, क्योंकि उनको बताएंगे तो फिर वो लग जाएंगे ये खाना बनाओ और ये मतलब खाना खिला के फिर भेजती, तो इसमें अभी उनको कुछ बताया नहीं है, एकदम सरप्राइज ही देंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड होपफुली आज हम लोग का जो जिस काम के लिए आए हैं वो हो जाए तो अच्छा रहे। एंड आज मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ खाने के लिए। क्या नाम है? ग्रैंड गॉसिप। बहुत दिन से इसका नाम मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, बहुत दिन से, बट निकलना ही नहीं हो रहा था हम लोग का, तो आज खाएंगे वो। तो ये जो गली देख रहे हैं ना,
यहाँ पे मेरी दादी रहती है, फिर मौसी रहती है, फिर इधर मम्मी पापा का प्लॉट है, मतलब ये पूरी गली में हमारा ननिहाल है। एंड ये भी गाड़ी बैक कर रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, बट एटलीस्ट मुलाकात हो गई। और मुझे फिर अभी आना है 3-4 दिन बाद, तो अभी फिर तब तो रहूँगी थोड़े दिन, क्योंकि काम मतलब हो गया है काफ़ी, जिस काम के लिए आई थी तो काफ़ी हो गया, काफ़ी तक वो काम हो गया, बट थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मेरी दीदी भी आएंगी, मस्ती होगी। ये है मेरी मौसी जिससे मैं मिलने आई थी, और नानी जी से भी मिली, बट उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया। फिर मिलेंगे ना, गुड बाय। गुड बाय। मुझे फोन कर दो। सबसे मिल लिए, मौसी से, नानी से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बहरमपुर, और वहाँ पे अभी 8:40 हो गए ऑलरेडी। यहाँ पे वहाँ तक जाने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा, तो पता नहीं वो खुला रहेगा या नहीं। हम लोग इतने दिन से सोच रहे हैं वहाँ पे खाना है, बट मुहूर्त ही नहीं बन रहा, और आज भी लग रहा है कि मतलब बंद हो जाएगा। गूगल पे दिखा रहा है कि 11 बजे तक ओपन रहता है, बट लग नहीं रहा है ऐसा कुछ है। अगर मिलता है या जहाँ भी खाते हैं वो आपके साथ, तो हम ज़रूर शेयर। और मेरी मौसी से आप लोग उतने अच्छे से नहीं मिल पाए, बट नेक्स्ट जब व्लॉग बनाऊंगी तो उनको अच्छे से इंट्रोड्यूस करूंगी। इतनी क्यूट है ना वो, मतलब मम्मी से इतना दूर रहती हूँ तो मौसी से मिलकर ऐसा मतलब मन नहीं कर रहा था उनको छोड़ने का, बट दिस इज़ लाइफ राइट। तो अभी अब फिर से आने वाले हैं 3-4 दिन बाद, और अभी कुछ दिन रुकेंगे क्योंकि काम करवाना है, और दीदी भी आ रही है, बाबू भी आ रहा है, तो सबसे मिलना होगा। কিন্তু তারপরে দেখলাম রাস্তায় জ্যাম, आ गए हैं ढाबे पे। वहाँ पे जाना था बट इतनी ज़्यादा वहाँ पे जाम था कि मतलब हम लोग हिम्मत ही नहीं हुई, ऑलरेडी इतना लेट हो गया। तो हम लोग यहाँ एक पप्पू दा ढाबा करके, तो सुना काफ़ी लोगों से कि अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। सच में काफ़ी अच्छा है, मतलब एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा है, और बहुत सारे डिफरेंट एरियाज एंड सेक्शंस हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, लाइक एसी, नॉन एसी, बाहर अंदर बहुत सारे टाइप हैं कि जहाँ भी आप बैठना चाहते हो। तो काफ़ी, और आ गया यहाँ मेरा सैनिटाइज़र। इतनी तेज़ भूख लग गई है ना, हाँ इतनी तेज़ भूख लग गई है ना कि लग रहा है कि कुछ भी मिल जाएगा तो खा लूँगी, कुछ भी, मतलब इतनी तेज़ भूख लगी है। और यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और एक इंटरेस्टिंग मेन्यू यहाँ पे है, क्वेल तंदूरी, क्वेल का बहुत सारा यहाँ पे मैंने देखा कि मेन्यू में बहुत ज़्यादा क्वेल का कुछ है। तो आई डोंट नो वो स्नेल टाइप का कुछ होता हो, मे बी, आई डोंट नो यहाँ पे कौन खाता है, बट ये एक इंटरेस्टिंग मेन्यू यहाँ मुझे दिखा। एंड हाँ, आज ग्रैंड गॉसिप में तो नहीं जा पाए, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आप सबको लेके जाएंगे। गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी कुछ भी मिल जाए, मज़ा आ जाती है। मैं कॉफ़ी बहुत दिन बाद पी चुकी हूँ, मतलब इतनी कॉफ़ी अभी कम से कम 5 चम्मच पी चुकी हूँ। यहाँ का खाना और कॉफ़ी दोनों A1, पद्मिनी गोस्वामी अप्रूव्ड। अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे, और बाहर मैंने थोड़ा स्टाइल से ये चेन नहीं लगाया था अपने विंड चीटर का, बट ठंडी लग गई यार।
अभी यहाँ के पता चल रहा है, मतलब कार के अंदर आके पता चल रहा है कि हाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है और बहुत मज़ा आया. मतलब इतनी ज़्यादा भूख लगी थी और उस पर खाना भी इतना टेस्टी बना दिया था और कॉफ़ी भी इतना अच्छा था. एक्चुअली मैं बहुत दिन बाद शुगर इनटेक कर रही हूँ, मतलब शुगर मैंने टोटली डिस्कार्ड कर दिया अपने उससे मील से या जो भी कहिए, तो उसे मैंने टोटली डिस्कार्ड कर दिया. इस वजह से भी शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. खैर अभी घर की तरफ जाएंगे और अभी बज रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 10:30 हो गया है ऑलमोस्ट, तो हम लोग को जाते जाते भी टाइम हो जाएगा. हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और 20 या 25 किलोमीटर्स बचे हैं, तो आज की जर्नी हमारी अच्छी रही है ना. मतलब जाते टाइम थोड़ा ट्रैफिक था और रोड थोड़ा सा वैसी है, बट चूँकि मैं गई थी अपने मौसी और नानी से भी मिली, तो मेरा तो अलग लेवल पे एनर्जी है. और आप भी अपने ससुराल गए थे, कैसे लगा? बढ़िया. लड़कों को भी ससुराल जाते रहना चाहिए है ना. जैसे हम लोग ससुराल में रहते हैं, ऐसे लड़कों को फ्रीक्वेंटली चक्कर लगाना चाहिए ससुराल का. अग्रीड. कितना इन लोगों को आदर सत्कार मिलता है तब भी. See, men will be men.